पौराणिक जुगर सबुठारु बड़ युद्ध महाभारत युद्ध। ए युद्धरे देश विदेश रे सेना भाग नहीं। पांडव एवं कौरवों मध्य युद्ध होता, किंतु कौरवों सह यवन ग्रीक रोमन आमेरिका मेसिडोनियम रु योद्धा माने आसी सामिल होते। हेले पांडवों सह केवल कृष्ण एवं मित्र राज्यर राजा माने ही सामिल थिले। तथापि ए युद्ध रे पांडवों विजय होता। हेले आपण माने जानिछंति कि ए युद्ध रे बलराम सामिल नथिले बोली। युद्ध समय रे बलराम तीर्थ करबा पई बाहरी जाइथिले। तेबे यह पछर कारण हुए तो आपण माने जानि नथिबे। तेबे आमे आज एठारे आपण मानकु कहिबु एहा पछर कारण कोन थिला। पांडुंक पुओ भीम एवं धृतराष्ट्रंक पुओ दुर्योधनंक गुरु बलराम थिले। एहि दुइजणंकु बलराम गदा प्रयोग करबा सिखाइथिले। बलरामकु कौरव एवं पांडव उभय बहुत पसंद थिले। यहाँ भितरे जेते भी पांडव एवं कौरवों मध्य महाभारत युद्ध होता, सेत बलराम जनकर पक्ष नहीं आउ जन प्रति अन्याय करने को चाहून। बलराम मध्य श्रीकृष्ण को यह बुझेवा को बहुत चेष्टा करते कि से युद्ध में सामिल न हुंतु बोली। किंतु श्रीकृष्ण कहते धर्म स्थापन पर युद्ध होगा निहाती आवश्यक। पूर्व बलराम तांकर छात्र दुर्योधन को कही सारी कि श्रीकृष्ण एवं से निजे युद्ध अस्त्र उठाइबे बोली। श्रीकृष्ण भी बलराम वचन को सम्मान जनाई युद्ध रे अस्त्र उठाई नथिले एवं युद्ध रे अर्जुन सारथी हो युद्ध रे भाग नहींथिले। पूर्व श्रीकृष्ण कौरव एवं पांडव को डाकी कहिथिले कि तांकु कौन दरकार, कृष्णंकर नारायणी सेना दरकार ना से निजे दरकार। आउ कहिथिले कि से युद्ध रे अस्त्र उठाइबेनी बोली, खाली रथर सारथी होई बसी रहिबे। या सुनिबा पर दुर्योधन श्रीकृष्ण को छाड़ी नारायणी सेना को बाछिथिले एवं अर्जुन श्रीकृष्ण को बाछिथिले। गोटे पटे कौरवों सह कृष्ण नारायणी सेना सह एगार अश्वरोहिणी सेना थिबा बेले पांडवों सह श्रीकृष्ण सह थिले आठ अश्वरोहिणी सेना। यहाँ भी बलराम युद्ध न करबा पई स्थिर करी बाहरी जाइथिले तीर्थ करबा पई। महाभारत यह वर्णना कर गोटे दिन युद्ध चली समय पांडवों युद्ध छाउणी में आसी पहुंचे बलराम। बलराम को सेठार देखि समस्ते बहुत खुशी होते, समस्ते बलराम को स्वागत करते। यहाँ बलराम सीधा जा चिंतार सह धर्मराज पाखे बसी पड़ते आते श्रीकृष्ण को अनेक बार मना करुद्ध में सामिल न होगापी, कारण कौरव और पांडव दुहे आमपाई सामान आम को मझे पड़वा किसी आवश्यकता ना, किंतु कृष्ण मो कथा को शुणि नथिले। मु कृष्ण विपक्ष में केमिति जाइपरिबी एवं द्वितीय भीम और दुर्योधन दुईज ही मठरु गदा चलैबा सिखिछन्ति। दुईज मोर शिष्य, दुईज प्रति मोर स्नेह रही, सेथिपाई दुईज को निज निज भितर लड़ापी मु देखिपारिबिनि। एथिपाई मु तीर्थयात्रा रे चली जाइथिलि। आउ एहा पर जेतेबेले गोटे पटे विश्वर सबुठारु बड़ युद्ध चलीला सेतिकबेले दुनिया सबुठारु बड़ योद्धा तीर्थ चली जाइथिले। कहा जाए जेतेबेले बलराम तीर्थयात्रा करि सारि फेरिथिले सेतेबेले महाभारत युद्ध अंतिम समय रे पहुंची सारिथिला। कुरुक्षेत्र रणभूमि रे दुर्योधन एवं भीमक मध्य रे युद्ध चलीथिला। ए समय रे भीम तांक गदा रे कृष्णक इशारा रे दुर्योधन रो पेंडा ऊपर को आक्रमण करिथिले। एहा पर गांधारिंक पुअंक मृत्यु होइथिला। एहा को देखि सहि पारि नथिले बलराम, कहिथिले कि दुर्योधन मो भली बलवान थिले, तांकु छलना पूर्वक हराइबा तांकर हार नुहे, आज मोर भी अपमान होइछि। निजर लंगल उठाई भीम को मारिबापाई दौड़ीथिले। हेले बलराम को अटकाई देइथिले श्रीकृष्ण आउ कहिथिले कि जेतेबेले धर्म एवं अधर्म मध्यरे युद्ध चलीथिला तुम्हें युद्ध में अंश ग्रहण कल नाही, आउ एबे शेष समय रे आसी एमिति करिबा उचित नुहे। या शुणा पर बलराम शांत हो पड़ते। यापर धर्मर सात श्रीकृष्ण पांडव को युद्ध में विजय कराइले। एथिपाई बलराम युद्ध में सामिल हो पार। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा भास्कर।